गुड मॉर्निंग बसनी साहब, स्वागत है आपका। थोड़ा सा ठंडा है आज मामला ग्लोबल संकेतों के चलते हैं। बताएं सर, एक बार तो पहले बाजार पर आपका आउटलुक और साथ ही आपके जो भी अपडेट्स। अनिल जी गुड मॉर्निंग। देखो अनिल जी, आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने तो लाइफ हाई मार दिया है। अब निफ्टी के ऊपर एक आध दिन की अटकली है, डाउ में भी यही कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन जो आउट पर अंडर परफॉर्मेंस था टेक्नोलॉजी का वो खत्म हो गया है और यहाँ पे अब आपके बैंक्स वगैरह आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत अच्छा लग रहा है और तभी मैंने कहा है ये जो बीएल को नए ऑन ट्रैक्स मिल रहे हैं, पावर सेक्टर, योर गैस स्टॉक्स, दीज विल डू वेरी वेल क्योंकि सारे लिंक्ड है इस बिजनेस से। तो मैं अभी भी आपको अपडेट दे रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्री, मदरसन सुमी, तीनों आपको कई दिन, एक दो दिन से बाय दिए थे, सारे आउट परफॉर्मर है। एनटीपीसी इज होल हार्टेडली मैं कह रहा हूँ, 185 का टारगेट इसमें कायम है। दिस विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी पावर कॉन्ट्रैक्ट विच गोज थ्रू फ्रॉम द साइड ऑफ दिस डिफेंस इक्विपमेंट, एवरीथिंग हैज टू गो थ्रू एनटीपीसी। अब आपके लिए दो बाय कॉल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। ओके बताएं सर। देखिए अनिल जी, ये जो सिंजेंटा का ये जो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आई थिंक इट शुड रब ऑफ टू बायोकॉन। बायोकॉन ऑन द प्रेजेंट बेसिस ट्रेड्स एट 14 टाइम वन ईयर फॉरवर्ड। मुझे लगता है बायोकॉन की वैल्यूएशन और सिंजेंटा की होल्डिंग कंपनी होने से दिस अ वेरी अट्रैक्टिव स्टॉक। तो 84.5 में बायोकॉन लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 278। बायोकॉन 300 रुपए मुझे दिख रहा है, तो बायोकॉन इज माई टॉप पिक। दूसरा, मुझे गैस अथॉरिटी बहुत पसंद है बिकॉज गैस प्राइसेस आर हेडेड हायर, गेल हैज फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और आपको शायद पता नहीं कि गेल के जो एमडी में पीछे से मिला था, दे आर सेइंग दैट द पास ऑन मार्जिन में उनके मार्जिन कम आउट टू बी हाईएस्ट इन दिस क्वार्टर। तो 90 रुपए में 85.5 में गेल लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 87.95 का टारगेट मुझे गेल में दिख रहा है इन द नेक्स्ट टू डेज। ओके, तो ये है आपके लिए गेल पर आए इस वक्त बसिन साहब की तरफ से, बायोकॉन पर आए बसिन साहब की तरफ से, 87 का स्टॉप लॉस और 95 का टारगेट लेकर चले आप, ये है आपके लिए। आइए